जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसला करते थे किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को एनआरओ 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हलके शामिल थे। हमें कहा जाता था कि एहतसाब छोड़े, मईशत पर ध्यान दे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खसूसी गुफ्तगू, कहा जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकारी का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारे साथ हैं, दिसंबर में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरा हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राणा सनाउल्ला एक बदमाश और जुराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक मुल्क भर में जारी, आज भी कराची, कोयटा, यो, पिशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। बुजुर्ग और बीमार सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ बहिमाना इंतकामी कार्रवाइयां, एक के बाद एक मुकदमा, रिमांड पर रिमांड। शहजाद कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ के काकुनों का अदालत के बाहर एहतजाजी रैली निकाली। इंपोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, मुल्क कैसे चलाना है उन्हें कुछ पता नहीं, फवाद चौधरी की ट्वीट में तनकीद, कहा अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का हतमी फॉर्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, हमें इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। एनआरओ 2 के असरात, इसहाक डार के बाद सुलेमान शहबाज भी खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करके वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर को हाईकोर्ट में सरेंडर करने का हुक्म देते हुए हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है, हकीकी आजादी मार्च आज रवा। आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी, और हम कोई गुलाम हैं जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।